KR News, हम केवल खबर नहीं सच दिखाते हैं। हाँ जी, जय हिंद जय भारत। ये देखिए, ये हमारे भाई साहब जम्मू कश्मीर से आए हैं और ये अभी जा रहे हैं दिल्ली पार्लियामेंट में, जा रहे हैं मोदी जी से जवाब मांगने के लिए। जो 40 जवान हमारे शहीद हुए हैं उनके बारे में जवाब मांगने के लिए ये दिल्ली जा रहे हैं पैदल। ये पठानकोट पहुंचे हैं अभी, पैदल नहीं जा रहा, ये भाग कर जा रहे हैं। और मैं 2 से 3 दिन में, और 2 से 3 दिन से ये बोल रहे हैं ये अपने दिल्ली में पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट में और मोदी जी से मुलाकात करेंगे और जवाब मांगेंगे। और मेरा साथ दो, आप भी लोग कृपया हाँ, मोदी जी को बोले कि एक बार मिले। हाँ, ये बोल रहे हैं हमारा साथ दो। किलोमीटर से दौड़ के आ रहा हूँ, ऐसे नहीं आ रहा हूँ। 40 बंदो, हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ है। हम लोग का हर एक आदमी के घर में एक आदमी फौजी बना दो, शहीद का दर्द पता लग जाएगा लोगों को। अभी शहीद का दर्द थोड़ा ना पता किसी को। हर एक घर में मोदी जी रूल बना दो ना, एक आदमी फौजी बनेगा, सबको दर्द पता लग जाएगा। और मोदी जी रफेल कब काम आएगा पाकिस्तान के लिए? अगर अमेरिका होता अब तक उड़ा दिया होता उसने, सोचता नहीं। मोदी जी अब बहुत अच्छे, आपने बहुत कुछ किया है इंडिया के लिए, आप कर रहे हैं। मगर मोदी जी ये जो शहीदों के साथ हो रहा है ना, उनके शरीर नहीं मिल रहे हैं, अंग नहीं मिल रहे हैं। दुनिया बोल दे रही है, कुछ लोग कर्फ्यू लगा दे रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं। मोदी जी कश्मीर में ना बच्चा बच्चा 6 साल का बच्चा भी पत्थर चलाता है। और महबूबा मुफ्ती कोई कुछ नहीं करता, कोई नेता वहां पे कुछ नहीं करता है, सब कहने की बात है। बाकी मेरा नाम अंकित है भाई, सपोर्ट करो कि मैं मोदी जी से मिल सकूं। बहुत मेहनत करके जा रहा हूँ मैं यहाँ से। हम आपके साथ हैं भाई साहब, हमेशा आपके साथ। 9796444709, जिसने अगर मेरे को ज्वाइन करना तो आ जाए भाई। जी, इनका नाम अंकित है। प्लीज ये वीडियो लाइक शेयर करिए, जो इनकी आवाज मोदी जी तक पहुंचे। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। हिंदुस्तान जिंदाबाद।